हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल्स के और एक लेवल में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स के आगे का पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000। मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000 पढ़ने से पहले हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पे 10, 100 और 1000 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरीके से 100 के 100, 200, 300, 400, 500 एंड इसी तरीके से 1000 के 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इसमें हम लोग क्या नोटिस करते हैं? इसमें हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि अगर 10 का मल्टीपल्स ले रहे हैं तो इनके सारे मल्टीपल्स 10 के साथ में एंड हो रहे हैं। 100 के मल्टीपल्स में 20 के साथ में एंड हो रहे हैं एंड 1000 के मल्टीपल्स में 30 के साथ में एंड हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हमको 1000 के अलावा 10,000, 1 लाख इन सब के भी मल्टीपल्स लिखने हो तो क्या करते हैं हम लोग कि 1 के आगे जितने भी जीरो लगे हैं अगर हमें उसके मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम पहले काउंटिंग लिख देंगे सिंपल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन और 1 के आगे जितने भी जीरो लगे हैं इनके मल्टीपल्स के आगे उतने जीरो लगा देंगे। सपोज 1, 2, 3, 4 जीरो लगे हैं तो सब में 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 10, 100, 1000 और भी 10,000, 1 लाख इन सब के मल्टीपल्स लिखने का वे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर, मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर क्या होंगे? इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ कुछ इवन नंबर कैसे लिखते हैं। तो हम लोग ने कुछ मल्टीपल्स लिखने की कोशिश करी है इवन नंबर की, जैसे 2, 4, 6, 8। 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरीके से 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30 एंड 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32 एंड 40। यानी कि 5 प्लेसेस तक हमने लिखे हैं मल्टीपल्स। अब देखिए हम क्या नोटिस कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20 ये भी सारे इवन नंबर हैं। 6, 12, 18, 24, 30 ये भी सारे इवन नंबर हैं एंड 8, 16, 24, 32, 40 ये भी सारे इवन नंबर हैं। इसका मतलब कि इवन नंबर के जो भी मल्टीपल्स लिखे जाएंगे वो सारे इवन नंबर ही होंगे। आप कोई और दूसरे इवन नंबर भी ले लीजिए तो उनके भी जो मल्टीपल्स लिखे जाएंगे वो इवन नंबर ही होंगे। ये तो हो गई इवन नंबर की बात। अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर की, मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर। अब मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर के लिए हम लोग कुछ ऑड नंबर के मल्टीपल्स लिखते हैं। जैसे 1 का मल्टीपल लिखा हमने 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। 7 का 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। ये 1, 3, 5, 7 के इसलिए लिखे क्योंकि ये ऑड नंबर है हमारे। अब इनमें क्या नोटिस करते हैं, जो 2, 4 आगे आएगा 6, 8 वो सारे क्या हैं, इवन नंबर। अच्छा, 6, 12 इवन नंबर हैं, 10, 20 इवन नंबर हैं, 14, 28 इवन नंबर हैं। यानी कि और ये कौन सी पोजीशन पे हमारे, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। इसी तरीके से ये भी सेकंड पे है, ये भी फोर्थ पे है, ये भी सेकंड पे, ये भी फोर्थ पे, ये भी सेकंड पे, ये भी फोर्थ पे। यानी कि ऑड नंबर के मल्टीपल जब हम लोग लिखते हैं तो इवन पोजीशन पे, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हैं ये सारे
मल्टीपल्स, तो सेकंड और फोर्थ क्या है, इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन पे जो मल्टीपल्स आएंगे वो इवन होंगे। ऑड नंबर के मल्टीपल्स लिखने पर इवन पोजीशन पे जो मल्टीपल्स आएंगे वो इवन होंगे। अच्छा, अब जरा इवन पोजीशन पे देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो 1, 3, 5 ऑड है, 3, 9, 15 ऑड है, 5, 15, 25 ये भी ऑड है, 7, 21, 35 ये भी ऑड है। यानी कि ये कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये भी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये भी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये भी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। यानी कि, और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का मतलब क्या है, ये ऑड पोजीशन है। तो ऑड नंबर के जब मल्टीपल्स लिखते हैं तो ऑड पोजीशन पे जो मल्टीपल्स आएंगे वो हमेशा ऑड होंगे, है ना, ऑड। तो इसका मतलब ऑड नंबर के जब मल्टीपल्स लिखते हैं तो दो तरीके के पैटर्न मिलेंगे। एक तो हमको मिलेगा जो इवन पोजीशन पे होंगे, इवन पोजीशन पे इवन मल्टीपल्स होंगे, और ऑड पोजीशन पे ऑड मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग डिवीजन से कैसे मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 24 को लेके 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6। क्या कोई रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, अगर 24 को 6 से डिवाइड करें तो आया 4, इसमें कोई रिमाइंडर आया, नहीं आएगा। इसका मतलब 24 जो है वो 6 और 4 का मल्टीपल है। कैसे, देखिए 6 × 4 = 24 एंड 4 × 6 = 24। दोनों ही कंडीशन में 24 आ रहा है, यानी कि 6 और 4 24 के मल्टीपल्स हैं। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर 41 को 5 से डिवाइड करते हैं, 41 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 8 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसका मतलब 41 हमारा 5 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर डिवीज़न करते हैं और रिमाइंडर बचता है तो वो मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, और डिवीज़न करने पर अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो फिर डिविडेंड, क्वेश्चेंट और डिवाइज़र का मल्टीपल होगा। डिविडेंड, क्वेश्चेंट और डिवाइज़र का मल्टीपल होगा। कैसे, जैसे हमने ये करा, तो 24 में अगर हमने 4 का डिवाइड किया तो क्या आया था, 4 × 6 = 24, रिमाइंडर 0। तो हमने क्या बताया, डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो गया, ये डिविडेंड क्वेशेंट, सॉरी डिविडेंड डिवाइजर और क्वेशेंट का मल्टीपल होगा, डिविडेंड डिवाइजर और क्वेशेंट का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर्स में। व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऐसे, सॉरी फैक्टर्स नहीं, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऐसे मल्टीपल्स होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर 3 के मल्टीपल्स लिखें तो हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, ये हमने यहाँ तक 48 तक लिखे हैं। इसी तरीके से 5 के मल्टीपल्स लिखें तो 5 के मल्टीपल्स हमने 45 तक लिखे हैं। अब जरा इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, 15 दोनों में है, 30 दोनों में है, 45 दोनों में है। इसका मतलब 15, 30 और 45 ये कॉमन फैक्टर है, सॉरी कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 और 5 के।
तो स्टूडेंट्स, ये आज का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको एक वर्कशीट मिलेगी, एक क्विज मिलेगी, जिसको आप करके इसको इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।